सो हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपका ओला की एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको अपने स्कूटर में अभी जो प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में बताऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि 1.0.1.6 जो आ रहा है उसका जो फीचर्स हैं वो क्या रहेंगे, आपको ये फीचर्स मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, और भी बहुत सारे लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ को अपडेट करने के बाद, जो नया अपडेट आया उसको अपडेट करने के बाद क्या क्या उनको प्रॉब्लम हो रही है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जस्ट एक सेकंड का टाइम लगेगा आपको चैनल सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज़ भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और एक जस्ट आपका एक जो सेकंड रहता है उसको चैनल को सब्सक्राइब करने में एक नई मोटिवेशन जरूर मिलती है कि हाँ, एक न्यू वीडियो बनाई जाए अपने व्यूवर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने स्कूटर की बात करता हूँ कि मेरे स्कूटर में अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है। आप सभी स्कूटर में भी यही सेम प्रॉब्लम हो रही होगी कि जो बैटरी डिग्रेडेशन है वो ज़्यादा हो जा रही है। आप जब रात में उसको चार्ज करके 100% जब चार्ज करके उसको छोड़ते हैं तो रात भर में तकरीबन 2-3% जो है वो बैटरी जो है वो ड्रेन हो जाती है। बट मेरे केस में क्या हो रहा है, मुझे 5-6% जो है वो बैटरी डिग्रेड हो जा रही है, जिसके कारण मुझे जो तकरीबन 5-6 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो मैं ट्रैवल नहीं कर पाता। हालांकि मैंने अभी जो टोटल जो किलोमीटर चलाया है वो 275 किलोमीटर चलाया है अभी एक हफ्ते के बीच में, और जो है लगभग अभी मैं एक दिन में तकरीबन 30-35 किलोमीटर ही ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि अभी मैं ऑफिस जा नहीं रहा हूँ इसीलिए ज़्यादा ट्रैवल हो नहीं पा रहा है। लेकिन डेली की जो ट्रैवल रहेगी मुझे लगता है कहने के मेरे जो 50 किलोमीटर ही रहेगी। लेकिन अभी स्कूटर में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये तो एक बैटरी डिग्रेडेशन है, और कहीं ना कहीं मुझे अपने जो है बेल्ट और जो मोटर की साउंड है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरे स्कूटर में ज़्यादा आ रही है। अब आप सभी के स्कूटर में ज़्यादा आ रही है क्या आ रही है, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप जब आपकी जो नॉलेज है, जो आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप कहीं ना कहीं कमेंट में शेयर करेंगे, और मैं इसको लेकर बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बताऊंगा कि हाँ, जो ये प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है ये सभी को आ रही है या सिर्फ मेरे को आ रही है। तो मेरे केस में मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे जो है वो बैटरी की जो बेल्ट की है और जो मोटर की जो नॉइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा आ रही है, इसीलिए मैं कस्टमर केयर को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तकरीबन 2 दिनों से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं 2 दिन से कस्टमर केयर और जो मेरे ब्रांड चैंपियन है उनको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट उनकी तरफ से अभी कोई भी रिप्लाई नहीं आया। मैंने मेल भी टाइप करके उनको बताया है कि मतलब ये जो चीज़ है वो मैं फेस कर रहा हूँ, लेकिन उनकी तरफ से कोई का कोई रिप्लाई नहीं आया 2 दिन से, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तो मैंने सोचा था कि सैटरडे संडे में अपने जो स्कूटर का काम है वो करवा लूँगा। तो बात कर दूँ कि मतलब अभी जो उनका कॉल है वो कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। स्कूटर जैसे कि आपको बताया कि स्कूटर बहुत सारे जो हैं वो मार्च में जो भावेश अग्रवाल जी ने बोला था कि मतलब 15,000 स्कूटर जो डिलीवर करेंगे, अब जब डिलीवर करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है जब ज़्यादा जल्दी काम होता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और जब प्रॉब्लम्स आती है तो आप कस्टमर केयर को ही कॉल लगाओगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसलिए कस्टमर केयर जो है वो ज़्यादा ही बिजी है इस टाइम में। तकरीबन 6-7, 8-9 मिनट वेट करने के बाद भी कॉल डिस्कनेक्ट हो जा रही है, कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही है, तो मुझे लगता है अभी के मामले में ये थोड़ा मेजर इशू है कि मतलब अभी अगर आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर पाती कंपनी, तो इन फ्यूचर आगे इनका क्या प्लान है वो तो भाई अब रब ही जाने की क्या करेंगे ये। तो अब हम बात कर लेते हैं 1.0.16 के जो अपडेट है उसके बारे में। तो अभी अगर आपने अपडेट कर लिया तो आपको भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपको कोई इस अपडेट में प्रॉब्लम नहीं हो रही हो तो, क्योंकि जब अभी ज़्यादा लोगों को ये रोल आउट नहीं हुआ है, जो सर्विस सेंटर स्कूटर लेके जाते हैं या फिर गिने चुने लोग ही हैं जिनको लाइक क्लाउड के थ्रू आया है ये अपडेट, नहीं तो ज़्यादातर ये सर्विस सेंटर वाले ही जो है वो अपडेट दे रहे हैं। पर इस अपडेट में भी बहुत सारे जो ग्लिचेस हैं अभी भी सामने आ रहे हैं। स्कूटर जो डिग्रेड होता है वो तो होता ही है, लेकिन इसको अपडेट करने के बाद अभी नेविगेशन या ब्लूटूथ इनेबल का जो बहुत लोग बोल रहे थे ऐसा कुछ भी लोगों के साथ नहीं हुआ है, उनकी प्रॉब्लम जो है ये अपडेट के बाद भी बनी हुई है। मैं ज़्यादातर लोगों को बताऊंगा कि मतलब जो ये अपडेट है आपको इस अपडेट करने में ही तकरीबन 8-9 घंटा लग जा रहा है, अगर आप अपने जो है डाटा कनेक्शन या फिर जो इसके अंदर जो सिम इनबिल्ट है ई सिम है उसके थ्रू करें तो आपको 9-10 घंटे भी लग जा रहे हैं। अब 9-10 घंटे के बीच में स्कूटर ऑन रहेगा बंद रहेगा इसके बारे में तो मैं बता नहीं पाऊंगा, हालांकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब ऑन रहेगा तभी तो आप जो है वो अपडेट लगा पाओगे। अब 9-10 घंटे स्कूटर ऑन रहेगा तो बैटरी भी भाई बहुत ही ज़्यादा लगेगी, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप एक बार सर्विस सेंटर या फिर अपने जो ब्रांड चैंपियन है उनको बताएं कि मतलब हाँ अपडेट आया तो मुझे अपडेट करना है, वो कहीं ना कहीं आपको
आधे घंटे से एक घंटे के बीच में आपका जो स्कूटर है वो अपडेट करके दे देंगे। और अगर आपका स्कूटर अपडेट हो गया और अभी भी आपके स्कूटर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं इसके बारे में एक और अलग से एक वीडियो जरूर बना सकूं और जो हमारी जो ओला कम्युनिटी है उसको बता सकूं कि मतलब हाँ ये अपडेट करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आई होप वीडियो आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो ना भाई, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।